सो गाइस फाइनली हमारी मैजिक ट्रिप से रिलेटेड एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है, जिसको सुनने के बाद आप सभी लोग खुशी से नाचने वाले हो, क्योंकि हमारे गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी फिर से मैजिक क्यूब सेक्शन अपडेट होने वाला है, जिसके अंदर से हम सभी लोगों को बहुत सारे मस्त मस्त और तगड़े तगड़े बंडल्स मैजिक क्यूब से एक्सचेंज करने को मिलेंगे। और गाइस इस बार जो मैजिक क्यूब सेक्शन के अंदर बंडल्स ऐड होने वाले हैं, वैसे बंडल्स पहले कभी भी मैजिक क्यूब सेक्शन के अंदर ऐड नहीं हुए हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक एक करके दिखाने वाला हूं और कब आएगा डेट भी बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा जरूर से देख लेना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। इसी के साथ बात करने वाले हैं हमारे 100% कंफर्म टॉप अप इवेंट के बारे में, जिसको देखने के बाद आप सभी लोग काफी ज्यादा खुश होने वाले हो। इसी के साथ आज से कुछ दिन बाद हमारे सर्वर के ऊपर 3-in-1 इंक्यूबेटर रिटर्न आने वाले हैं, जिसमें आपको काफी सारे मस्त मस्त और तगड़े तगड़े रेयर इंक्यूबेटर रिटर्न में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं और दिखा भी दूंगा और डेट कब है कंफर्म वो बता दूंगा। इसी के साथ हमारे फरवरी मंथ में यानी कि प्यार की मिस्ट्री शॉप निकल कर आ चुकी है, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा ओपी वाला डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। साथ में आपको बुया पास पर भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और गाइस जो लोग बुया पास का काफी टाइम से डिस्काउंट में आने का वेट कर रहे थे, उनके लिए ये गुड न्यूज भी है। तो गाइस आज की वीडियो आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और साथ में आज भी 2 लकी सब्सक्राइबर को शाउट आउट मिलने वाला है, और अगर आप भी शाउट आउट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर से कर देना। और गाइस जो भी हमारे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई नो काफी टाइम बाद मैं लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन गाइस मैं टाइम लेकर जरूर आया हूं, पर आपको मस्त से अपडेट देकर जाऊंगा, जिससे आपके तन बदन में आग लगने वाली है। तो गाइस आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो टॉप अप इवेंट देख पा रहे हो, ये टॉप अप इवेंट हमारा नेक्स्ट टॉप अप इवेंट होने वाला है, जो कि हमें परसों देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 100 डायमंड्स के टॉप अप इवेंट में ये डेंजरस सब बैकपैक देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे मिशन मेकओवर थीम पर बेस्ड है। इसी के साथ 300 डायमंड्स के टॉप अप इवेंट में ये साइथे का स्किन भी देखने को मिलेगा, जिसका एनिमेशन काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। तो गाइस ये टॉप अप इवेंट हमारा 100% कंफर्म है, जो कि हमें नेक्स्ट टॉप अप इवेंट में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस कौन कौन इस टॉप अप इवेंट को निकालने वाला है मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। इसी के साथ हमारे गेम के अंदर पिछले 2 महीने से कोई भी डिस्काउंट इवेंट नहीं आया है, लेकिन गाइस इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस हमारे कुछ डाटा माइनर्स को इंडियन सर्वर के ऊपर 2 डिस्काउंट इवेंट प्री एक्सेस मिले हैं। पहला जो डिस्काउंट इवेंट है वो हमारा वैलेंटाइन्स स्पेशल मिस्ट्री शॉप है, जो कि काफी सारे सर्वर्स के ऊपर आया हुआ है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर वैलेंटाइन्स का कोई भी इमोट रिटर्न में नहीं आया है, एंड गाइस आप लोगों को वैलेंटाइन्स इवेंट भी देखने को नहीं मिला। तो गाइस इस वाले मिस्ट्री शॉप में आपको ब्रोकन हर्ट वाला इमोट देखने को मिल सकता है, आई हर्ट यू वाला इमोट भी देखने को मिल सकता है। साथ में आपको और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि इस मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिल सकती हैं। और गाइस हो सकता है गरीने वाले इस मिस्ट्री शॉप में हमको बुया पास भी डिस्काउंट में दे दें, क्योंकि ये सेकंड बुया पास है, फर्स्ट बुया पास तो गरीना वाले नहीं दे सकते थे, बट हो सकता है सेकंड बुया पास इस मिस्ट्री शॉप के अंदर से हमें डिस्काउंट में देखने को मिल जाए। और गाइस ऐसा नहीं है कि यही सेम मिस्ट्री शॉप हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर आएगी, इन बंडल्स के बदले हमें कुछ और बंडल्स और इन रिवॉर्ड्स के बदले कुछ और अलग से रिवॉर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि वैलेंटाइन थीम पर बेस्ड होंगे। इसी के साथ सेकंड जो डिस्काउंट इवेंट निकल कर आया है वो है हमारा लकी व्हील इवेंट, जिसका भी प्री एक्सेस मिला है हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर, जिसमें आपको काफी सारे मस्त मस्त बंडल्स इमोट यहाँ तक कि ग्लू वॉल की स्किन भी बहुत कम डायमंड्स में देखने को मिलेगी। और अगर गाइस आप लकी हुए और आपका लक 9 डायमंड्स पे आकर रुक गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि 9 डायमंड्स में आप लोग कुछ भी निकाल सकते हो। तो गाइस देखते हैं इन दोनों डिस्काउंट इवेंट्स में से कौन सा डिस्काउंट इवेंट हमें इंडियन सर्वर के ऊपर देखने को मिलता है। चांस तो दोनों के ही है, दोनों में से कोई एक इवेंट हमें इंडियन सर्वर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसकी डेट की तो 21 तारीख से 24 तारीख तक के बीच में हमें दोनों डिस्काउंट में से कोई एक डिस्काउंट हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आज से कुछ दिनों बाद हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर 3-in-1 इंक्यूबेटर रिटर्न में आने वाला है, जो कि 80% कंफर्म हो चुका है। तो गाइस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो इंक्यूबेटर देख पा रहे हो वो इंक्यूबेटर है हमारा ग्रिफ्टी इंक्यूबेटर, जो कि इंडियन सर्वर के ऊपर काफी ज्यादा रेयर माना जाता है, क्योंकि आज से 4 साल पहले ये इंक्यूबेटर हमारे गेम के अंदर आया था, उसके बाद से हमें कभी भी ये इंक्यूबेटर रिटर्न में देखने को नहीं मिला है। बट गाइस इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये इंक्यूबेटर हमें इंडियन सर्वर के ऊपर देखने को मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इसी के साथ सेकंड जो इंक्यूबेटर है वो है हमारा M1014 का, जो कि हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर बहुत बार रिटर्न में आ चुका है, बट जितनी बार भी ये इंक्यूबेटर रिटर्न में आया है इसकी डिमांड कम नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ गई है। इस इंक्यूबेटर के भी बहुत ज्यादा चांसेस है हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर आने के। इसी के साथ थर्ड जो इंक्यूबेटर है वो है हमारा क्लाउन इंक्यूबेटर, जो कि इंडियन सर्वर के ऊपर इतना ज्यादा रेयर है कि भाई आईडी भी स्कैम हो जाती है इसकी वजह से। और गाइस ये इंक्यूबेटर भी आज से 4 साल पहले हमारे गेम के अंदर आया था, उसके बाद से आज तक ये इंक्यूबेटर हमें रिटर्न में देखने को नहीं मिला, और उस टाइम पर बहुत कम बंदों ने इस इंक्यूबेटर को निकाला था, बट ये इंक्यूबेटर भी हमारे गेम के अंदर काफी ज्यादा जल्दी आ सकता है, चांसेस तो बहुत ज्यादा है। इसी के साथ फोर्थ जो इंक्यूबेटर है वो है हमारा बनी इंक्यूबेटर, जो कि हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर लगभग 5 बार रिटर्न में आ चुका है, बट अभी भी ये बंडल इंडियन सर्वर के ऊपर रेयर बने हुए हैं। बहुत सारे बंदे तो इस इंक्यूबेटर का रिटर्न में आने का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये इंक्यूबेटर भी हमें इंडियन सर्वर के ऊपर रिटर्न में देखने को मिल सकता है, जिसकी लीक लगभग मेरे हाथ लग चुकी है। इसी के साथ फिफ्थ जो इंक्यूबेटर है वो है हमारा ब्लड मून वाला इंक्यूबेटर, जिसकी तो भाई 95% कंफर्म लीक्स है हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर आने की, क्योंकि बाहर के सर्वर के ऊपर ये 5 इंक्यूबेटर रिटर्न में आते जा रहे हैं, तो हो सकता है इन 5 में से कोई 3 इंक्यूबेटर हमें हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर देखने को मिल
जाएं। तो गाइस अब चलते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा मैजिक क्यूब सेक्शन से रिलेटेड। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे गेम के अंदर हर महीने में एक बार मैजिक क्यूब सेक्शन अपडेट होता है, जिसमें हमें डायमंड रॉयल के कुछ पुराने बंडल्स तो कुछ न्यू बंडल्स हमेशा देखने को मिलते हैं, जो कि ज्यादा खास नहीं होते हैं। बट गाइस इस बार 1 मार्च को जो हमारा मैजिक क्यूब सेक्शन अपडेट होने वाला है, उसमें हमें काफी ओपी बंडल मैजिक क्यूब सेक्शन में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आज तक अरीना ने हमें कभी भी नहीं दिए हैं। वो बंडल भी हमें मैजिक क्यूब सेक्शन में ऐड देखने को मिल सकते हैं, जो कि भाई एक से एक बेहतरीन होंगे। और गाइस इस बार ऐसा इसीलिए होने वाला है क्योंकि हमारे होली इवेंट आने वाला है, जिसके सेलिब्रेशन के मौके पे गरीना हमारे काफी सारे मस्त मस्त बंडल्स को मैजिक क्यूब सेक्शन के अंदर डाल सकता है। इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। और गाइस आप लोगों को ये पता ही होगा कि होली इवेंट हमारे सर्वर के ऊपर कितना बड़ा इवेंट होता है, और इस इवेंट के टाइम पर हमें काफी सारी चीजें भी फ्री में मिलती हैं। और गाइस लास्ट ईयर भी हमको होली इवेंट के टाइम पर काफी सारे मस्त मस्त बंडल मैजिक क्यूब सेक्शन में दिए थे, तो हो सकता है इस बार भी हमको कुछ न्यू बंडल्स मैजिक क्यूब सेक्शन में देखने को मिल जाएं। और गाइस इन बंडल्स के आने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 50-50 हैं, मतलब ये बंडल हमें देखने को मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, ये तो गरीना के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अब बात करने वाले हैं हमारे दो लकी सब्सक्राइबर्स के बारे में। तो गाइस पहले लकी सब्सक्राइबर हैं KGF नासिम और दूसरे हैं सनी जी 2.0 और KGF नासिम, थैंक यू फॉर द कमेंट। आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।